मेरा नाम कविता है। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी अधिकार चिंता से परिचित कराती हूँ। यह कहानी बहुत ही शानदार कटाक्ष है। कहानी शुरू करने से पहले बता दूं कि आपको टॉमी की जगह किसी स्वार्थी, लालची, डरे हुए व्यक्ति को रख दे, फिर कहानी सुनने में आपको बहुत ही आनंद आएगा। पूरी कहानी सुनने के पश्चात आपको साफ तौर पे पता चल जाएगा कि कहानी में किसको टारगेट किया गया है। आइए अब कहानी सुनना शुरू करते हैं। टॉमी यूँ तो देखने में बहुत तगड़ा था, भौंकता था तो सुनने वालों के कान के पर्दे फट जाते। डील डॉल भी ऐसा कि अंधेरी रात में उस पर गधे का भ्रम हो जाता, लेकिन उसकी वीरता किसी संग्राम क्षेत्र में प्रमाणित ना होती। दो चार दफे जब लेडीसों ने उसे चुनौती दी तो वह उनका गर्व मर्दन करने के लिए उसे मैदान में आना पड़ा। देखने वालों का कहना था, जब तक लड़ा जीवट से लड़ा, नाखूनों से ज्यादा और दांतों से ज़्यादा चोट तो उसकी दूम ने किया। निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता कि मैदान किसके हाथ रहा, किंतु रणशास्त्रों के नियम के अनुसार विजय का श्रेय टॉमी को देना उचित न्यायकुल जान पड़ता था। टॉमी ने भी उस अवसर पर कौशल से काम लिया, दांत निकाल दिए जो संधि याचना थी, किंतु तब से उसने ऐसे प्रतिद्वंद्वों की मुंह लगना उचित ना समझा। इतने शांतिप्रिय होने पर भी टॉमी के शत्रुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाती। उसके बराबर वाले इसलिए जलते थे कि वह इतना मोटा ताजा होकर भी इतना भीरू क्यों है। बाजारी दल इसलिए जलता कि टॉमी के मारे घूरों पर की हड्डियां भी ना बच पाती। इतने शत्रुओं के बीच रहकर टॉमी का जीवन संकटमय होते जाता था। महीनों बीत जाते थे, पेट भर भोजन ना मिलता। दो तीन बार उसने मनमाने भोजन करने की इच्छा प्रकट की तो परिणाम आशा के प्रतिकूल हुआ। स्वादिष्ट पदार्थों के बदले दंडों की मार से पेट भर गया, जिससे पेट के बदले कई दिनों तक पीठ में विषम वेदना होती रही। तो उसने विवश होकर सम्माग का आश्रय लिया, मगर उसकी इच्छा ऐसी जगह जाना थी जहाँ पर खूब सारा शिकार मिले, हिरण, खरगोश, भेड़ के बच्चे मिले, उनका कोई मालिक ना हो, आराम से वृक्ष के नीचे सोने के लिए छाया हो, नदी का पवित्र जल हो, चारों ओर उसी की धाक जम जाए कि लोग उसे राजा समझने लगे। संयोगवश एक दिन वह इन्हीं कल्पना के सुख सपना को देखते हुए सिर झुकाए सड़क छोड़कर गली में जा रहा था, तभी एक सज्जन से उसकी मुठभेड़ हो गई। टॉमी ने चाहा बचकर निकल जाऊं, पर वह दुष्ट इतना शांतिप्रिय ना था। उसने तुरंत झपटकर टॉमी का गला पकड़ लिया। टॉमी ने बहुत विनय की कि ईश्वर के लिए मुझे यहाँ से चले जाने दो, कसम ले लो इधर पैर रखूं। मेरी सामत आई थी कि तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में चला आया, पर उस निर्दयी प्राणी ने जरा भी रियायत ना की। दो चार नेता लोग भी एकत्र हुए, पर उन्होंने भी उल्टे उसी पर प्रहार किया, जान बचाकर भागा। अत्याचारी पशु ने भी बहुत दूर तक पीछा किया, यहाँ तक कि मार्ग में एक नदी पड़ी तो टॉमी ने उसमें कूद कर अपनी जान बचाई। लेकिन कहावत सुनी है ना कि सबके दिन फिरते हैं, उसी भांति टॉमी के दिन भी फिर गए। नदी में कूदा था जान बचाने के लिए, हाथ लग गया मोती। तैरता हुआ उस पार पहुंचा तो उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो रही थी। यह एक बड़ा मैदान था, जहाँ तक निगाहें जाती हरियाली ही हरियाली दिखाई देती, झरने, नदियाँ, वृक्ष, इतना सुंदर दृश्य था। मगर बड़े तेज नखून वाले पशु थे, जिनको देखकर टॉमी का कलेजा दहल उठता, पर उन्होंने कभी टॉमी की कुछ परवाह ना की। वह आपस में रोज लड़ते,
खूनों की नदियां बहा करती। टॉमी ने भी कौशल से काम लेना शुरू किया। जब दो पशु लड़ते, घायल होते और मुर्दा होकर गिर जाते, तो टॉमी लपक कर मांस का टुकड़ा उठाकर ले भागता और एकांत में बैठकर खाता। विजयी पशु विजय की खुशी में उसे तुच्छ समझकर कुछ न बोलते। अब क्या, टॉमी की सदा दिवाली रहने लगी। न गुड़ की कमी, न गेहूं की, रोज नए पदार्थ खाता और वृक्ष के नीचे आनंद से सोता। उसने ऐसे स्वर्ग की कल्पना कभी सपनों में भी ना की थी। जीते जी ही उसे स्वर्ग मिल गया। थोड़े दिनों में पौष्टिक आहार पदार्थों के सेवन करने से टॉमी की चेष्टा कुछ और ही हो गई। उसका शरीर भी तेजस्वी हो गया। अब वह छोटे मोटे जीवों को स्वयं हाथ साफ कर देता, तो जंगल के जीव जंतु अब चौंके। उन्होंने उसे भगाने का काफी प्रयास करने लगे, तो टॉमी ने एक नई चाल चली। वह कभी किसी पशु से कहता कि फला शत्रु तुम्हारे मारने की तैयारी कर रहा है, तो किसी जीव जंतु से कहता कि वह तुमको गाली दे रहा था। जंगल में सभी जीव उसके चकमे में आकर आपस में लड़ते, टॉमी की चांदी हो जाती। छोटे मोटे पशुओं का उससे मुकाबला करने का साहस ना था। उसकी उन्नति और शक्ति देखकर सभी को ऐसा लगता मानो ईश्वर ने विचित्र जीव आकाश से हमारी रक्षा के लिए और हम पे शासन करने के लिए इसे भेजा है। टॉमी भी इसी भ्रांति को पुष्ट करने के लिए बड़े गर्व से कहता, परमात्मा ने मुझे आपकी रक्षा के लिए, तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा है। ईश्वर की यही इच्छा है तो तुम आराम से अपने घर में पड़े रहो। मैं तुमसे कुछ ना बोलूँगा, केवल तुम्हारी सेवा किया करूँगा और उसके बदले तुमसे एकादा शिकार ले लिया करूँगा। आखिर मेरा भी तो पेट है, बिना आहार के कैसे जीवित रहूँगा और कैसे तुम्हारी रक्षा करूँगा। अब बड़ी शान से रहता। यदि कोई चिंता थी भी तो यह चिंता थी कि देश में मेरा कोई शत्रु ना खड़ा हो। वह सजग रहने लगा। दिनों दिन उसके सुख भोगने का चस्का बढ़ता गया, साथ ही चिंता भी बढ़ती जाती। अब वह आधी रात को चौक पड़ता और अज्ञात शत्रु के पीछे दौड़ने लगता। वनों के पक्षियों से कहता, ईश्वर ना करे कि तुम किसी दूसरे शासक के पंजों में फंस जाओ, वह तुम्हें पीस डालेंगे। मैं तुम्हारा हितेशी हूँ, सदा तुम्हारे लिए शुभकामना करता रहता हूँ। किसी और शासक से ऐसी आशा मत रखना। सभी पशु एक स्वर में कहते, हम जब तक जिएंगे आपके अधीन रहेंगे। आखिरी यह हुआ कि टॉमी को पल भर की शांति से बैठना भी दुर्लभ हो गया। कहीं कोई शत्रु ना आ घुसे, यही चिंता उसे सताई जाती थी। लेकिन क्वार का महीना आया तो टॉमी का मन एक बार फिर अपने पुराने सहचारी से मिलने को हुआ। उसने अपने मन को काफी रोकना चाहा, किसी भी भांति रोक ना पाया। वही दिन याद आया जब वह दो चार मित्रों के साथ गली गली में प्रेमिका के पीछे घूमता था। दो चार दिन तो उसने सब्र किया, अंत में आवेग इतना प्रबल हो उठा कि वह अपनी तकदीर को ठोक कर खड़ा हुआ। अब वह तेज और बल पर भी अभिमान करने लगा कि दो चार को तो मैं मजा चखा ही सकता हूँ। किंतु नदी के पार आते ही उसकी चाल मंद पड़ गई। मगर एक प्रेमिका को आते देख वह पागल हो उठा। उसने उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। प्रेमिका को उसका यह कुछ चेष्टा अप्रिय लगी। उसने तीव्र स्वर में उसे तिरस्कार किया। उसकी आवाज़ सुनते ही प्रेमी भी आ पहुंचा। टॉमी को देखकर वह जामे से बाहर हो गया। टॉमी सिटपिटा गया। अभी तो उसने निश्चय भी ना किया कि क्या करूं,
कि चारों ओर से दांतों और नाखूनों की वर्षा शुरू हो गई। भागते भी ना बन पड़ा, शरीर लहू लुहान हो गया। जैसे तैसे भागा भी तो शैतानों का दल पीछे पड़ गया था। उस दिन से हर घड़ी यही भय लगा रहता कि आक्रमणकारी दल मेरे सुख और शांति में बाधा ना डाल दे। पहले यह भय थोड़ा कम था, मगर अब दिनों दिन बढ़ता गया। एक दिन उसका चित्त भय से इतना व्याकुल हुआ कि उसे जान पड़ा शत्रु दल आ पहुंचा है। दिन रात बीत गए, उसने आराम न किया। इसी तरह 5 दिन बीत गए। टॉमी के पैर लड़खड़ाने लग गए, उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया। अंत में 7वें दिन वह अभागा टॉमी अधिकार चिंता से ग्रस्त परलोक सिधार गया। वन का कोई पशु उसके निकट ना आया, किसी ने उसकी चर्चा तक भी ना की, किसी ने उसकी लाश पर आंसू तक ना बहाए। कई दिनों तक गिद्ध और कौवे मडराते रहे। अंत में अस्थियों के सिवा कुछ ना रह गया। तो मेरे अनुसार तो यह कहानी अंग्रेजों पर लागू होती है। सेम यही चीज़ें हमारे नेताओं पर भी लागू होती हैं, जो अधिकार जमाने में लगे रहते हैं। मेरा तो मानना यही है कि अगर जनता जागरूक हो तो कोई भी उनका शोषण नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों व सहपाठियों को। जो भी है, थैंक यू दिल से। हम मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ।